हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं नवनीत एसएमएस स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स, राइट। इसके पहले मैंने ऑलरेडी साइंस के यही क्लास 8 के ही नवनीत के असाइनमेंट के क्लास 8 के साइंस के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाके आप देख लो। सो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं नवनीत असाइनमेंट स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। इसमें भी यहाँ तक के जो क्वेश्चन ए है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या दिया गया, आपके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए गए। तो ऑब्जेक्टिव अपने सॉल्व नहीं करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2A चैप्टर नंबर 2 से, वन बाय वन न्यूमेरिकल लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। स्टार्ट, ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 माइनस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 13 एक्स। चलो ये आपको एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, 17 तो एज इट इज लिखेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है ब्रैकेट में, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 फाइव आर 15, डन। चलो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 13 एक्स, ओके। अभी क्या करेंगे, 17 और 15 दोनों प्लस है और 2 को उठा के, ये राइट, इन दोनों का पहले प्लस कर लेंगे। 7 प्लस 5 12, 1 2 एंड 3 32 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 13x। अभी क्या करना है, 13x को उठा के ये बाजू, 32 को ये साइड पे, सो माइनस 13x का हो जाएगा प्लस 13x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 32। सो 13x माइनस 3x क्या आता है, 10x इज इक्वल टू माइनस 30, 10x इज इक्वल टू 2 माइनस 32, तो माइनस 30 आएगा, ओके। सो दैट x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 30 अपॉन 10, सो x कितना मिलेगा, माइनस 3, डन। हैव एनी डाउट, चलो सेकंड नंबर सम पे चलेंगे। 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 ब्रैकेट एक्स प्लस 1, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है। सो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, सेम इसी तरह ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 थ्री जार 6 और माइनस 7 तो आपका एज इट इज आने वाला है, इक्वल टू की साइन, 6 एज इट इज माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 वन जार माइनस 5। अभी क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले को साथ में लिखेंगे और बाकी के नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। सो 2x, लेकिन एक स्टेप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13, 6 माइनस 5 1 माइनस 5x। अभी माइनस 5x उठ के ये बाजू जाएगा, 13 ये साइड आएगा, सो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 13, सो क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 डिवाइडेड बाय 7, तो x इज इक्वल टू 2, डन। चलो और आगे निकलेंगे थर्ड नंबर के सम्स पे। क्या दिया गया, 1 बाय 4 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 1। देखो डिवाइड वाले जो सम्स होते हैं ना, वो देख के अपने कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि यार ये कितना ऐसा का ऐसा सम अपने को दे दिया गया है। सो वहाँ पे अपने क्या करते हैं, सम्स गलत करके आते हैं। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये तो डिवाइड में है तो एक्स इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अभी क्या करना, इक्वल टू के साम नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे इक्वल टू के डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में और 4 ये सेट जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके। चलो 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट एक्स माइनस 1, 5x 5 टू आर 10 4x माइनस 4, डन। अभी क्या करेंगे, 4x को उठा के बाजू, 10 को उठा के ये साइड,
सो देयरफॉर 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 10 सामने जाएगा क्या आएगा प्लस 10, तो 5x माइनस 4x क्या आता है आपका सिर्फ x बचता है मतलब 1x बचता है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 प्लस 10 6। डन, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। फोर्थ नंबर क्या दिया गया है, 4x अपॉन 5 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस x प्लस 5। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है, राइट। यहाँ पे भी यही लिखा आप देख सकते हो, ओके। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे ये वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, देखो यार यहाँ पे डिनोमेटर में 5 है, यहाँ पे डिनोमेटर में 2 है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर भी अभी आपके साथ इक्वल टू के सामने है, वहाँ पे नहीं था, इसलिए अपने ने क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1। अभी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 1 1 का। देखो मैं यही साइड क्या कर रहा हूँ, अभी 1 5 का एलसीएम आएगा 5, तो आपको नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, 1 को 5 से करेंगे तभी 5 आएगा ना, तो ऊपर भी आपको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे 5 एलसीएम है, तो नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर से न्यूमेरेटर में। डन, x बाय 2 1 1, तो ये तीनों का एलसीएम कितना आता है 2 आता है, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 को 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमेरेटर को भी 2 से, सेम यहाँ पर भी 2 से और ऊपर भी 2 से। लिख दो अभी 4x अपॉन 5 प्लस 5x अपॉन 5 प्लस 5 टूज आर 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस 2x बाय 2 प्लस 5 टूज आर 10 बाय 2। चलो अब इसको लिखेंगे किस तरह, इस तरह लिख सकते क्योंकि सबके डिनोमेटर सेम है, तो इस तरह आप लिख दो डिवाइडेड बाय 5, सेम यहाँ पर भी x प्लस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 5x प्लस 4x 9x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस x 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो लास्ट न्यूमेरिकल्स की तरह आ चुका है, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 2 ब्रैकेट 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 3x प्लस 10, 2 9s आर 18x, 2 10s आर 20, 5 3s आर 15x एंड 5 10s आर 50। बोलो डन। चलो 15x को उठा के सामने लाएंगे, 18x माइनस 15x इज इक्वल टू 15, 20 सामने जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, 18 माइनस 15 क्या आएगा 3x और 50 माइनस 20 30, सो दैट x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 10। चलो क्लियर, हैव एनी डाउट? ओके, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। चलो और आगे चालू करेंगे चैप्टर 3 के, सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के सम्स, ओके। चलो सो इसमें क्या है, आपको सारे के सारे रूल्स, बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको पैरेललोग्राम के सम्स सॉल्व करने हो तो। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का डायग्राम है, ये दे दिया गया 105, ये जेड दिया गया है, ये एक्स और ये वाई, ओके। चलो क्लियर है यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे अपने पैरेललोग्राम के कंडीशन है कि ऑपोजिट एंगल एवरी टाइम कैसे होते इक्वल होते, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो ए बी सी एंड डी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो देट फॉर एंगल ए कितना दिया गया 105 और एंगल वाई, सो आपको एक आंसर मिल गया वाई इज इक्वल टू 105। चलो क्लियर, क्योंकि आप लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल। चलो ये वाला डन हो गया, चलो और आगे बढ़ते हैं। सो ये जो नियरर एंगल होते हैं इसको बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 180, ये चीज़ नोट डाउन करना,
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, राइट। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना दिया है 105, एंगल बी कितना दिया है आपको नहीं दिया है तो लिखो एंगल बी का एंगल बी 180। 105 उठा के सामने ले जाओ तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। सो एंगल बी कितना मिलेगा आपको 180 माइनस 105 तो कितना मिलेगा आपको 75। डन। चलो तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी हो जाती है कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, राइट। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू 75। बट आपको ये पता है, मैंने अभी बताया था, ऑपोजिट एंगल कैसे होते, सेम होते। सो जेड इज इक्वल टू एक्स, तो जेड अगर आपको 75 दिया गया तो एक्स भी आपका कितना हो जाएगा 75। इज दैट क्लियर। चलो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 105 नोट डाउन कर लेना, 105 है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। सेकंड नंबर क्या दिया गया, इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है। ओके, राइट, करेक्ट। चलो ये आपको दे दिया गया एक्स, ये आपको दिया गया है 30, वाई एंगल दिया गया है, राइट एंगल दिया गया है। देखो वाई याद रखना, वाई आपको राइट एंगल दिया गया है। चलो पैरेललोग्राम दिया गया है, और कोई चीज़ आपको मेंशन नहीं की है, बट हाँ इतना आपने बता सकते हैं कि ये जो एंगल दिया गया इस टाइप का पोर्शन दिया गया, मतलब एक बॉक्स टाइप का दिया गया, मतलब एक मान सकते हैं कि एंगल वाई आपका क्या है 90 है, मतलब राइट एंगल है। ओके, एंगल वाई आपका क्या है राइट एंगल है। अगर ये 90 है तो सामने का भी वर्टिकल ऑपोजिट 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, याद रहेगा। चलो मतलब चारों चार एंगल कितने के मिलेंगे 90, मतलब 360 का ही एंगल बनेगा। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं, आपको फाइंड करना है अभी एक्स और जेड, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। चलो ये 90 है तो यहाँ पे मैं एंगल वाई लिख दूँ, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। चलो ये भी अपने माई वाई मेंशन कर, यहाँ पे माई वाई नहीं ओ मेंशन कर लेते हैं। चलो सो एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180, राइट। ओ कितना दिया है 90, एक्स तो आपको फाइंड करना और ये 30, सो 90 प्लस 30 एंगल एक्स प्लस 120। अभी 120 उठा के सामने ले जाएंगे तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 60। ओके, चलो इसके अलावा एक चीज और नोट डाउन बनती है कि भाई ये जो एक जेड बन रहा है, सो दैट जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये बनेगा। इसके लिए अपने पास एक कंडीशन है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, राइट। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, तो एंगल एक्स आपको मिल गया 60, तो एंगल जेड भी आपको कितना मिलेगा 60। डन। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, थर्ड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप का है। ओके, ये आपका रहेगा वाई, ये आपका रहेगा 30, ये आपको फाइंड करना है एक्स, और ये आपको निकालना है जेड, ये आपको दे दिया गया है 50। चलो मैंने एक चीज़ अब भी आपको समझाई थी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, देखो ये वाला, मतलब ये जो जेड बन रहा है तो ये और ये एंगल कितना बनेगा 30 का बनेगा, कितने का बनेगा 30 का। और ये जो आउटर एंगल है, ये जो आउटर एंगल है, याद रखना इन दोनों एंगलों का टोटल होता है, करेक्ट। चलो सो 30 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 50। ओके, सो एंगल जेड इज इक्वल टू 50 माइनस 30, सो देयरफॉर एंगल जेड कितना मिलेगा 20। ये नोट डाउन हो चुका है, एंगल जेड कितना मिलेगा आपको 20। ये 20 मिला है तो आप थोड़ा सा नोट डाउन करो, यहां से लेकर ये बन रहा है जेड, तो ये एंगल और ये एंगल आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू भी कितना मिलेगा आपको 20। डन।
बाकी रहा सिर्फ वाई फाइंड करना है। तो चलो ट्राइंगल ले लो, एंगल वाई प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, राइट। चलो सो एंगल वाई इज इक्वल टू सॉरी एंगल वाई प्लस 20 प्लस 30 50 इज इक्वल टू 180। सो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू 130। डन, हैव एनी डाउट? नो। चलो एक और लास्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, इतने में आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। पैरेललोग्राम है मतलब एक एंगल दे दिया, मतलब ऑपोजिट एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, सेम, और बाकी के आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। सो नोट डाउन करना अच्छे से। ओके, इतना दिया है, सो आप लिख सकते हो एंगल वाई इज इक्वल टू 110 ऑपोजिट एंगल। चलो डन, और आगे निकलते हैं। ये 110 मिला है वाई, सो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। वाई मिला 110, सो एंगल एक्स कितना मिलेगा, 180 माइनस 110, तो एंगल एक्स कितना मिला आपको, 70। चलो एंगल एक्स आपको अगर 70 मिला है तो आप लिख सकते हो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, तो एंगल जेड कितने का मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा 70 का। इज दैट क्लियर? सो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।